नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये हमारा होगा लाइव टेस्ट, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदव्यास। अगला है, विश्व की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी दी लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी, मुल्क राज आनंद। अगला है, समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक अंग है। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन कहते हैं। अगला है, पिछोरा भारत की एक क्या है? ऑप्शन डी, जमीन से हवा में मारक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन तैयार कौन करता है? ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला, शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसकी देन है? ऑप्शन बी, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, संवर्धित यूरेनियम होता है? तो ऑप्शन बी, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यू 235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? ऑप्शन बी, ये होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन सी, पहला और चौथा। पहला है उत्तराधिकार का नियम और चौथा है भूस्वामी की ललक। अगला है, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि, क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। अगला, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन। अगला क्वेश्चन है, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन बी, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्श द्वारा शासन किया था। ओके, क्वेश्चन गाइस बनता है, गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ढीला स्मट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक तना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूली। अगला है, यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, विस्तार कहते हैं। अगला है, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फारेनहाइट में कितना होगा? तो ऑप्शन ए, 107.6 डिग्री फारेनहाइट। अगला है, यदि कोई वस्तु
एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन बी, फोकस पर बनेगा। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में, मतलब टीवी के प्रसारण में भी होता है, और बी है खनिज की खोज में भी होता है, और सी है अंतरिक्ष की खोज में भी होता है कृत्रिम उपग्रह। अगला है, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए क्या है? तो ऑप्शन सी, जीवन के लिए लाभदायक है ओजोन गैस की परत। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। तो ऑप्शन सी, विद्युत चालक में बल की दिशा तथा बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर होता है? ऑप्शन ए, 1/6। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु की नाभि में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के। अगला है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्यूटेन। अगला है, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कहाँ होता है? ऑप्शन सी, बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? ऑप्शन डी, H2CO3, हाइड्रोजन डाई क्लोराइड। अगला है, सॉरी, हाइड्रोजन डाई कार्बोनेट। अगला है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अगला है, धान की फसल की दो सामान्य बीमारियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए, ब्लास्ट तथा खैरा। हीमोफीलिया क्या होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हीमोफीलिया जो होता है वो जेनेटिक बीमारी होती है। अगला है, लौह अयस्क के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें, और नीचे आपको कोट के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा। पहला क्या कहता है, चूना पत्थर और कोयला लौह अयस्क को गलाने में महत्वपूर्ण है, और दूसरा है, विश्व का 20% से अधिक लौह अयस्क भंडार भारत में है, और तीसरा है, ओडिशा और बिहार लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुख्य विधि के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है? ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कोयले की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। पहला है, कोयला परतदार चट्टानों में मिलता है। तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज है। और चौथा है, दामोदर घाटी भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंसुलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए, बेंटिंग ने की थी। और अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन सी, ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन आपका है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए, खिज्र। अगला है, राज्य का दर्जा पाने वाला
अंतिम संघ शासित प्रदेश कौन सा था? तो ऑप्शन ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए ये सही नहीं है, और बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। तो बी कहता है, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक है या नहीं, और सी है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, और सी कहता है राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। ओके, पहला है नेबुला धारा, ये सही हो जाएगा जो कि होता है शीतल। फिर है हम्बोल्ट धारा, ये भी हो जाएगा शीतल। और डी है क्यूरोसिबो धारा, ये हो जाएगा उष्ण। अगला है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन डी 22। अगला है, तिराना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ किस काम आता है? ऑप्शन ए पौधों की वृद्धि नापता है। नेक्स्ट है, उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए विपत्ति। प्रातःकालीन शांति का देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? ऑप्शन ए 5 घंटा 30 मिनट। अगला है, सतत विकास के मूल तत्व हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कूट के माध्यम से बताना है। तो गाइस ऑप्शन डी ये सभी, मतलब पुनर्वीकरणीय और फिर अनुकूलन, प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता, ये सतत विकास के मूल तत्व हैं। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और आगे कहता है उपरोक्त में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी ये सभी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, लास्ट क्वेश्चन, शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन बी प्रोटीन को। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।